नमस्कार दोस्तों, हेलो जिंदगी के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, शब्दों के अध्ययन का ये हमारा छठा वीडियो है और इसमें हम रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण देखेंगे, जिसमें हम रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ शब्दों को पढ़ेंगे। वीडियो शुरू करने के पहले हम अपने सब्सक्राइबर्स का धन्यवाद करना चाहते हैं और जिन दर्शकों ने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे ये अनुरोध करना चाहते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा उत्साह बढ़ाएं, ताकि हम आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियोस बना करके प्रस्तुत कर सकें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। शब्दों का पहला वर्गीकरण हमने उत्पत्ति स्रोत या इतिहास के आधार पर लिया था और ये दूसरा वर्गीकरण है रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर। तो दूसरे वर्गीकरण का पहला टॉपिक है रूढ़ शब्द। दोस्तों, रूढ़ शब्द का अर्थ क्या होता है, क्या कभी आपने सोचा है? चलिए हम आपको बताते हैं। रूढ़ शब्द का अर्थ होता है परंपरागत या पारंपरिक। रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जो किसी निश्चित अर्थ को प्रकट करते हैं, परंतु इनके टुकड़ों या खंडों का कोई निश्चित अर्थ नहीं निकलता है, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। इसका अर्थ है कि इनके सार्थक टुकड़े या सार्थक खंड नहीं किए जा सकते हैं। सार्थक का अर्थ हुआ जिसका कोई अर्थ निकले। रूढ़ शब्दों को मूल शब्द भी कहते हैं, मौलिक शब्द भी कहते हैं दोस्तों, कई बार रूढ़ी शब्द भी कह देते हैं। और चूंकि इनकी रचना किसी अन्य शब्द या शब्दांश की सहायता से नहीं होती, ये अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, अतः इन्हें अयौगिक शब्द भी कहते हैं, क्योंकि इनमें दो शब्दों का या दो शब्दों के अंशों का योग नहीं होता है, इसलिए इन्हें अयौगिक शब्द भी कहते हैं। उदाहरणों से ये बात स्पष्ट हो जाएगी दोस्तों। जैसे शब्द हैं ज्ञान, बल, कल, बुद्धि, भाषा, मित्र, देश, गाय, बादल, नाक, कान, आंख इत्यादि। उदाहरणों से स्पष्ट है दोस्तों कि यदि हम बल के टुकड़े करें तो ये शब्द दो टुकड़ों में बटेगा, ब और ल। अलग होने के बाद ना तो ब का कोई अर्थ निकलता है और न ही ल का। रूढ़ शब्दों की पहचान कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। रूढ़ शब्दों की पहली निशानी है कि वे एकल शब्द होंगे, वे दो शब्दों से मिलकर नहीं बनते हैं, इसलिए एक ही अर्थ को दर्शाते हैं। अलग अलग तरह के रूढ़ शब्दों को देखिए, ज्ञान, बल, बुद्धि, भाषा, मित्र, क्रोध, फल, वन, क्षमा, घर, कमल, चित्र, कवि, हाथी, पत्ता, फूल, घास, नाम, राम, धूप, दीप, पूजा, कलश इत्यादि। इन शब्दों में आप देखेंगे कि ये शब्द अपने आप में पूर्ण है, एक निश्चित अर्थ को दर्शा रहे हैं और इनके खंड करने पर इनका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। तो ना तो इनमें कोई उपसर्ग लगा है और न ही कोई प्रत्यय लगा है। उपसर्ग शब्द के आगे लगते हैं और प्रत्यय शब्द के पीछे लगते हैं। संधि विच्छेद भी इनका नहीं हो सकता है और न ही इनमें कोई समास है। तो आप जहां भी उपसर्ग, प्रत्यय, संधि एवं समास वाले शब्दों को देखिएगा तो आप समझ लीजिएगा कि ये शब्द रूढ़ तो बिल्कुल ही नहीं हो सकते हैं। रूढ़ शब्दों में उपसर्ग, प्रत्यय, संधि एवं समास का कोई योगदान नहीं होगा दोस्तों। इसकी दूसरी पहचान यही है कि इनके खंड सार्थक नहीं होते। जैसे हमने देखी शब्द है ज्ञान, इसके टुकड़े किए तो ये ज्ञा और ना दो टुकड़ों में बटा है, लेकिन ना तो ज्ञा का कोई अर्थ है ना तो ना का कोई अर्थ है दोस्तों। इसी प्रकार बल शब्द के टुकड़े किए जाए तो ब और ल का अलग अलग कोई अर्थ नहीं निकलता है। फिर बुद्धि, भाषा, फूल, घास, फल, कलश, इन सभी शब्दों के टुकड़े करके हमने देख लिए, किसी टुकड़े का अर्थ नहीं निकलता है। दूसरा है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने हों और उनके प्रत्येक टुकड़े या खंड का कोई अर्थ निकलता हो, उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं, अर्थात इनके सार्थक टुकड़े या खंड किए जा सकते हैं। यौगिक
शब्द का अर्थ होता है दोस्तों योग से बनने वाला, योग यानी कि जोड़ यानी कि मेल। तो यौगिक शब्द दो या दो से अधिक रूढ़ शब्दों के मेल से बनते हैं। इनके उदाहरण में सही शब्द आते हैं जिनमें उपसर्ग का प्रयोग हो, प्रत्यय का प्रयोग हो, जिनमें संधि हो और समास हो। आइए देखते हैं यौगिक शब्दों के उदाहरण के लिए मैंने ये सारणी आपके लिए बनाई है दोस्तों, जिसमें उपसर्ग, प्रत्यय, संधि और समास वाले शब्दों को लिया है। उपसर्ग वाले यौगिक शब्दों को देख लें। देखिए उपसर्ग है अ और रूढ़ शब्द टल में जुड़कर ये शब्द बनाता है अटल। इसे हम दो भागों में तोड़ सकते हैं, अ जोड़ टल, तो ये हो जाएगा अटल। तो ये यौगिक शब्द है। अतिशय, यहाँ उपसर्ग है अति। अध्यक्ष, यहाँ उपसर्ग है अधि। अनमोल में अन उपसर्ग है, अनुकरण में अनु उपसर्ग है, अपमान में अप है उपसर्ग और अभिज्ञान में अभी है। इसी प्रकार अवगुण में अव उपसर्ग है, आजन्म में आ उपसर्ग है, उत उपसर्ग से उत्कर्ष बना है, उप से उपग्रह, उप से उपनाम भी है, कु से कुपुत्र, दुर से दुर्जन, नी से निर्जन, परा से पराजय, परी से परिश्रम, प्र से प्रकोप प्रत्येक भी है, वी से विराग, वी से व्याकरण भी है, सु से सुगम, स्व से स्वदेश और सम से संगीत। प्रत्यय के उदाहरण यदि देखें तो प्रत्यय शब्दों के अंत में लगता है दोस्तों। विद्या शब्द में आलय जुड़ गया तो ये हो गया विद्यालय। इस शब्द को हम दो सार्थक भागों में तोड़ सकते हैं, विद्या जोड़ आलय यानी विद्यालय। इसी प्रकार हिम जोड़ आलय हिमालय, देव जोड़ आलय देवालय, औषधि जोड़ आलय औषधालय। फिर हमने पन प्रत्यय को लिया है, जैसे पीलापन या अपनापन भी होता है। उसी प्रकार दार प्रत्यय को ले लें तो कर्जदार, दुकानदार। हार प्रत्यय का उदाहरण देखिए, होनहार। सेना में पति प्रत्यय जुड़ा तो सेनापति, सभा में पति प्रत्यय जुड़ा तो सभापति। शाला, इस प्रत्यय को जोड़ के पाठशाला, कर्मशाला, कार्यशाला आदि शब्द बनते हैं। आई प्रत्यय वाला चतुराई शब्द है। मिलावट में आवट प्रत्यय है, गीतकार में कार प्रत्यय है और शक्ति में मान प्रत्यय जुड़ गया तो शक्तिमान। अब संधि के कुछ उदाहरण देख लें दोस्तों। इसमें उपसर्ग या प्रत्यय नहीं है बल्कि इसमें संधि है। विद्यार्थी, विद्या जोड़ अर्थी विद्यार्थी, गिरी जोड़ ईश गिरीश, नर जोड़ इंद्र नरेंद्र, महा जोड़ उत्सव महोत्सव, सदा जोड़ एव सदैव, यदि जोड़ अपि यद्यपि, सु जोड़ आगत स्वागत, सज जोड़ जन सज्जन और मना जोड़ बल मनोबल। तो जब भी आप संधि वाला कोई शब्द देखें तो आप ये समझ जाइएगा कि ये यौगिक शब्द है। समास वाले शब्द, दो पदों के मेल को समास कहते हैं दोस्तों। यहाँ देखिए रसोई और घर, ये तो रसोई घर शब्द का निर्माण कर रहे हैं। उसी तरह डाक और घर मिलकर डाकघर बना, राजमाता, राज और माता मिलकर राजमाता, रेल और गाड़ी दोनों शब्द मिलकर रेलगाड़ी, यथाशक्ति दो शब्द मिले तो यथाशक्ति, मन चाहा, मन और चाहा के मिलने से मन चाहा, जन और हित के मिलने से जनहित, वन और वास मिलकर वनवास, दही और बड़ा मिलकर दही बड़ा, पवन और चक्की के मिलने से पवन चक्की, नील और गगन के मिलने से नील गगन, नव और रत्न के मिलने से नवरत्न और त्रि तथा लोक के मिलने से त्रिलोक। तो दोस्तों आप जब भी किसी उपसर्ग वाले शब्द या प्रत्यय वाले शब्द को देखिएगा, इसके साथ ही यदि आप संधि वाला कोई शब्द देखें या समास वाला कोई शब्द देखें तो आप ये समझ लीजिएगा कि ये शब्द भी यौगिक शब्द हैं। अब आगे योगरूढ़ शब्दों की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। योगरूढ़ शब्द किसे कहते हैं? देखिए इसमें योग और रूढ़ दो शब्द हैं दोस्तों, यानी इसमें यौगिक शब्द भी है और रूढ़ शब्द भी है। किस प्रकार है आइए देखते हैं। ऐसे शब्द जो अन्य शब्दों के योग से बने हों परंतु एक विशेष अर्थ के लिए रूढ़ हो जाते हैं,
रूढ़ का अर्थ होता है दोस्तों पारंपरिक या परंपरागत। तो योग रूढ़ शब्द यौगिक शब्द तो हैं, यानी अन्य शब्दों के योग से तो बने हैं, लेकिन उनका अर्थ जो है कुछ विशेष रूप से प्रचलित है। अर्थात ऐसे यौगिक शब्द जो अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ ग्रहण कर लेते हैं उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। योग जोड़ रूढ़ अर्थात योग से बने रूढ़ हो गए शब्द। रूढ़ यानी परंपरागत रूप से प्रचलित हो गए शब्द। सामान्य शब्दों में आप ये समझ लें कि यौगिक शब्द जब अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ बतलाने लगे तो वे योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। बहुव्रीही समास वाले शब्द इनके उदाहरण होते हैं। समास वाले वीडियो में बहुव्रीही समास को डिटेल में पढ़ेंगे दोस्तों। फिलहाल आप ये जान लें कि बहुव्रीही समास ऐसा समास होता है जिसके पदों में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। दो पदों के मेल को समास कहते हैं, ये तो आप जानते हैं दोस्तों। तो इसमें जितने पद मिलते हैं उसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता, बल्कि दोनों मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। ठीक उसी तरह योगरूढ़ शब्दों में भी दो शब्द मिलकर किसी तीसरे शब्द के अर्थ की ओर इशारा करते हैं दोस्तों। जैसे शब्द हैं जलज या नीरज या पंकज। जल का अर्थ होता है पानी, नीर का अर्थ भी पानी होता है और पंख का अर्थ कीचड़ होता है। ज जो है वो जन्म शब्द से आया है दोस्तों। तो जलज का अर्थ हुआ जल में उत्पन्न होने वाला या जल से उत्पन्न। नीरज का अर्थ भी वही हुआ पानी से उत्पन्न। और पंकज का अर्थ हुआ पंख में उत्पन्न होने वाला। तो जल नीर या पंख में उत्पन्न होने वाला वो होगा जलज नीरज या पंकज। ये हो गया इसका सामान्य अर्थ। लेकिन हम सभी जानते हैं कि जलज नीरज और पंकज कमल को कहते हैं। कमल का फूल पानी में या पंख में उत्पन्न होता है, इसलिए उसे जलज नीरज और पंकज भी कहते हैं। तो ये शब्द जो है वो योग रूढ़ शब्दों के उदाहरण हो गए। ये सामान्य शब्द नहीं है दोस्तों, ये अपने अर्थ को छोड़कर किसी तीसरे अर्थ के लिए परंपरागत रूप से प्रचलित हुआ है, इसलिए इन्हें योगरूढ़ शब्द कहेंगे। योगरूढ़ शब्दों की सबसे बड़ी निशानी सबसे बड़ी पहचान यही है कि उनका जो शाब्दिक अर्थ निकलता है वो अर्थ उनका प्रचलित नहीं है, प्रचलित अर्थ कुछ और ही है। इसी तरह जलद और नीरद इन दो शब्दों को देख लें तो जल का अर्थ और नीर का अर्थ दोनों का अर्थ पानी होता है। जल और नीर पानी के पर्यायवाची शब्द हैं। आगे के वीडियोस में हम पर्यायवाची शब्दों को भी देखेंगे। द जो है वो देना शब्द से आया है, तो इसका अर्थ हुआ जल देने वाला या नीर देने वाला। यदि कोई व्यक्ति जल दे रहा है किसी को तो उसे जलद नहीं कहेंगे, उसे नीरद भी नहीं कहेंगे दोस्तों। जलद और नीरद सिर्फ और सिर्फ बादल को कहते हैं। यही परंपरा से यही चला आ रहा है, यही इनका प्रचलित पारंपरिक अर्थ है। तो ये भी शब्द योगरूढ़ हो गए। इसी तरह गजानन, गज का आनन है जिसका। आनन अर्थात सिर। शाब्दिक अर्थ यही हुआ गज का आनन है जिसका, उसे हम गजानन कहेंगे। लेकिन पारंपरिक अर्थ प्रचलित अर्थ तो उसका गणेश है, इसलिए ये गजानन शब्द गणेश के लिए रूढ़ हो गया है, पारंपरिक हो गया है, परंपरागत और प्रचलित हो गया है, इसलिए गजानन शब्द योग रूढ़ शब्द के उदाहरण में आ जाता है। इसी प्रकार लंबोदर का शाब्दिक अर्थ है लंबा है उदर यानी पेट जिसका। जिस भी व्यक्ति का लंबा उदर होगा उसे लंबोदर कहेंगे, लेकिन ये उसका शाब्दिक अर्थ हुआ। वास्तव में लंबोदर शब्द से गणेश जी का बोध होता है, यानी लंबोदर शब्द योगरूढ़ शब्द का उदाहरण है। इसी तरह एक दंत एक है दांत जिसका और विघ्नहर्ता विघ्न को हरने वाला, ये दोनों शब्द गणेश जी के लिए प्रयुक्त होते हैं, इसलिए ये दोनों शब्द योगरूढ़ शब्दों के उदाहरण है दोस्तों। अगला शब्द है चतुरानन, चतु आनन यानी चार आनन है जिसके। शाब्दिक अर्थ चार आनन है जिसके, लेकिन
प्रचलित अर्थ पारंपरिक रूप से शब्द इस्तेमाल होता है ब्रह्मा जी के लिए। इसी तरह चतुर्भुज शाब्दिक अर्थ है, चार भुजाएं हैं जिसकी, विष्णु भगवान के लिए प्रयुक्त होता है। चक्रपाणी, पाणी का अर्थ होता है हाथ, तो पाणी यानी हाथ में चक्र है जिसके, अर्थात विष्णु भगवान। तो चक्रपाणी शब्द से विष्णु का बोध होता है। इसी तरह रमापति, रमा लक्ष्मी जी को कहते हैं, जो रमा के पति हैं वे हैं विष्णु जी, तो ये शब्द भी योगरूढ़ शब्द का उदाहरण हो गया। अगला शब्द है नंद किशोर, यानी नंद का पुत्र, ये शब्द कृष्ण जी के लिए लेते हैं। फिर है पीतांबर, पीला अंबर यानी वस्त्र है जिसका, ये भी कृष्ण भगवान के लिए रूढ़ हो गया है। गिरिधर अर्थात गिरि यानी पहाड़ को धारण करने वाला, ये शब्द भी कृष्ण जी के लिए रूढ़ हो गया है। मुरलीधर या बंसीधर, मुरली या बंसी को धारण करने वाला, इन शब्दों से कृष्ण का बोध होता है। घनश्याम, काले बादल जैसा रंग है जिसका, इस शब्द से भी कृष्ण जी का बोध होता है। और शब्दों के उदाहरण देखिए दोस्तों, त्रिलोचन, त्रि और लोचन शाब्दिक अर्थ है तीन आंखों वाला, लेकिन इस शब्द का प्रयोग शंकर भगवान के लिए होता है। इसी तरह पंचानन, पांच आनंद है जिसके, ये शब्द भी शंकर भगवान के लिए इस्तेमाल होता है। चंद्रचूर यानी जिसकी चूड़ा या शिखा पर, बालों पर चंद्रमा है, शाब्दिक अर्थ को छोड़कर ये शब्द शंकर भगवान के लिए रूढ़ हो गया है। इसी तरह चंद्रशेखर, शिखर पर चंद्रमा है जिसके, शंकर भगवान। गंगाधर शाब्दिक अर्थ है गंगा को धारण करने वाला, लेकिन इस शब्द से शंकर भगवान का बोध होता है। इसी तरह नीलकंठ शब्द से, नीला है कंठ जिसका, शंकर भगवान का बोध होता है। कैलाशपति, कैलाश पर्वत पर रहने की वजह से कैलाशपति कहते हैं शंकर भगवान को। उमानाथ, उमा अर्थात पार्वती माता के पति हैं जो शंकर भगवान। रामेश्वर, राम के ईश्वर शंकर भगवान। महेश्वर या महादेव शाब्दिक अर्थ है सबसे महान ईश्वर, सबसे महान देव, ये दोनों शब्द भी शंकर भगवान के लिए रूढ़ हो गए हैं। वीणा पाणी, पाणी अर्थात हाथ में वीणा है जिसके, इसका शाब्दिक अर्थ ये हुआ, लेकिन ये शब्द वीणा पाणी सरस्वती जी के लिए रूढ़ हो गया है। शुक्लांबरा, सफेद अंबर है जिसका, ये शब्द लक्ष्मी जी के लिए रूढ़ है। सिंहवाहिनी, सिंह वाहन है जिसका, ये शब्द दुर्गा जी के लिए रूढ़ हुआ है। इसी प्रकार दशानन, दस आनन है जिसका, ये शब्द रावण के लिए रूढ़ हुआ है। तो परीक्षा में जब भी आपको ऐसा कोई शब्द मिले जो अपने शाब्दिक अर्थ को छोड़ कोई अन्य अर्थ दर्शा रहा है, तो आप समझ लीजिएगा कि ये शब्द योगरूढ़ शब्द का उदाहरण है। इसी तरह उपसर्ग प्रत्यय और संधि समास वाले शब्द यौगिक शब्दों के उदाहरण होंगे, जो अपना सीधा अर्थ बताते हैं, अपना निश्चित अर्थ बताते हैं। और ऐसे शब्द जो सार्थक खंडों में टूट नहीं सकते, वे रूढ़ शब्दों के उदाहरण होंगे। आशा है आज का टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा दोस्तों। अगले वीडियो में हम अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण शुरू करेंगे दोस्तों। हिंदी की इस यात्रा में हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों, और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर भी करना ना भूले दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।